हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम टू सत्य प्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल. इन टुडेज लेट वी स्टार्टेड विथ अवर सब्जेक्ट लुकिंग अराउंड एनवायरमेंट स्टडीज. ओके, कहाँ पे थे हम लोग? डू यू नो, इन अवर लास्ट वीडियो वी वॉज स्टार्टेड विथ अवर चैप्टर नंबर 7, एक्सपेरिमेंट विथ वॉटर. यस और नो? यस. ओके, एक्सपेरिमेंट विथ वॉटर. वॉटर के साथ हम लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, वो जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग किया था चैप्टर का. क्या देखा था कि ऐसी कौन सी थिंग्स है जो वॉटर के ऊपर फ्लोट्स करती है, मतलब कि तैरती है, एंड विच थिंग्स दे आर सिंक्स इन टू द वॉटर. ओके, वॉट थिंग्स, विच थिंग्स दैट आर फ्लोट्स ऑन द वॉटर एंड विच थिंग्स दैट आर सिंक्स इन द वॉटर. ये जो सारी बात थी वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर मतलब कि स्टार्टेड किया था. और ये साथ जो थी वो उसकी मम्मी उसके लिए पूरी और पोटैटो की सब्जी बना रही थी, स्पाइसी पोटैटो बना रही थी. तो पूरी जो है वो पहले सिंक होती है, आफ्टर दैट इट विल द फ्लो ऑन द ऑयल. सो व्हाई इट इज़ द पूरी, फर्स्ट ऑफ ऑल दे सिंक इन टू द ऑयल एंड आफ्टर दैट इट फ्लोस ऑन द ऑयल. उसके बाद हम कई सारे क्वेश्चन आंसर सोल्व कर चुके. उसके बाद आयशान ने देखा तो सोप जो है वो पानी में सिंक हो जाता है, मतलब कि डूब जाता है. एंड शॉप केक, मतलब कि जो पूरा सोप का जो स्टैंड है, शॉप केस जो है वो पूरा पानी के ऊपर तैरता है. ओके, शॉप केस जो है वो पानी के ऊपर तैरता है. तो ऐसा क्यों, वाई? ओके, सोप जो है वो पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन शॉप केस जो है वो वाई पानी के ऊपर क्यों तैरता है? उसके बाद हम लोगों ने एक छोटी सी पोएम लिखी थी, वाई ऑन वाई. वाई और वाई, ऐसा क्यों होता है कि मतलब कि आयन की बोट, शिप बोट, वुडन बोट, ये सारी बोट जो है पानी के ऊपर तैरती है, तो निडल जो है छोटी सी और पिन जो है वो पानी के अंदर क्यों श्रिंक हो जाती है? तो ऐसे कई सारे सो मेनी क्वेश्चंस वी वॉज सॉल्व इन अवर लास्ट लेक्चर. आफ्टर दैट डू दिस एंड फाइंड आउट. आप लोगों को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना था. क्या करना था? कुछ थिंग्स लेनी थी, उसको आपको वाटर के ऊपर रख के देखना था कि वो फ्लो करती है या फिर सिंक करती है. एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेस इट फर्स्ट एंड देन राइट डाउन द रिजल्ट. कौन सी थिंग्स थी? एम्प्टी बाउल, कटोरी रखनी थी पानी के ऊपर फ्लोट करती है या सिंक हो जाती है. पहले गेस करना है. मैंने गेस किया था कि नहीं, ये जो है ना वो सिंक हो जाती है, तो देखना है कि वो सिंक होती है या फ्लोट करती है. ओके, इसी तरह 6-7 स्मॉल पेबल्स ने है, आयरन नेल बोला था, मैथ स्टिक बोला था, एम्प्टी बोटल बोली थी, हाफ फिल्ड बोटल फुल ऑफ वाटर, एल्यूमिनियम फॉइल लेना था. तो एल्यूमिनियम फॉइल के भी 3 टाइप लेने थे, एक एल्यूमिनियम फॉइल नहीं, कैसे, ओपन एंड स्प्रेड एल्यूमिनियम फॉइल, पूरा ओपन एल्यूमिनियम फॉइल लेना था. सेकंड, प्रेस टाइटली इनटू द बोल बना के हमें ट्राई करनी थी. एंड आफ्टर दैट इन अ कप लाइक शेप. ओके, तो ये सारा जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया. सॉप केक ऑन अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट एंड पीस ऑफ आयरन. ओके, आई होप आप लोगों ने ये कंप्लीट किया होगा अपना एक्सपेरिमेंट. एंड लास्ट में जो है हमने मतलब कि यहाँ तक कंप्लीट किया था डन. अभी यहाँ से जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगेन मैजिक. इट इज़ मैजिक, जादू. क्या जादू है? लेट्स सी. व्हेन आयशा वोक अप इन द मॉर्निंग, अम्मी हैड फीवर. जब आयशा सुबह मॉर्निंग में वेकअप होती है तब उसकी अम्मी को क्या था? फीवर, बीमार, बुखार हो गया था, जुकाम हो गया था. अबू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी. अबू मेड सम टी, अबू ने चाय बनाई एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू दी अम्मी. उसकी अम्मी को जो है वो उसके अम्मी ने मेडिसिन दी. ओके, फिर ही टोल्ड आयशा, उसने आयशा से बोला, यू बॉइल एग्स, तुम एग को बॉइल कर दो. ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वॉटर. ओके, उसके अबू ने क्या बोला? यू बॉइल एग, तुम्हें एग बॉइल करने हैं एंड ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वॉटर. वाटर के अंदर कुछ सॉल्ट भी डालना है. आयशा टुक वाटर इन अ पॉट. आयशा एक बाउल के अंदर वाटर लेती है. बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट. बाय मिस्टेक, वो है ना
बोल मतलब कि बोल करना मतलब कि पानी लेना, पानी के अंदर एग्स डालना एंड थोड़ा सा सोल्ट जो है ना वो डाल के उसे उबालना, बोल करना। ओके, हम लोग जैसे बोल करते हैं पोटैटो, बोल करते हैं कई सारे थिंग्स, जैसे हम बोल करने के लिए छोड़ते हैं तो बाउल के अंदर वाटर, थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड करके उसे गैस के ऊपर रख देते, तो यहाँ पे भी उसे एग बॉईल करने थे तो थोड़ा सा पानी लेके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट जो है ना वो ऐड करना था, लेकिन बाय मिस्टेक सी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर। उसे टू मच सॉल्ट, पानी के अंदर बहुत सारा सॉल्ट जो है ना वो ऐड कर दिया। सी शो द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप अ लिटल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर। क्या होता है, द एग्स एट द बॉटम, जो बॉटम पे एग्स थे ऑफ द पॉट कम अप, वो ऊपर आने लगे एंड आके फ्लोट करने लगे। कौन? एग्स। ओके, टेक सम वाटर इन अ ग्लास, आप लोगों को भी ट्राई करना है, ग्लास के अंदर वाटर लेना है, पुट अ लेमन इन इट, आप लोगों को लेमन जो नींबू हम लोग यूज करते हैं उसे पानी के अंदर रख के ट्राई करना है। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर, अभी आपको वाटर एड करना है एंड हाफ अ स्पून एट टाइम, ओके एट अ टाइम हाफ स्पून आप लोगों को सॉल्ट एड करना है। एंड वेर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर, वेर यू एबल टू फ्लोट इन योर लेमन इन वाटर, मतलब कि क्या आपका जो लेमन है वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर, वो आपको देखना है। तो यस, आंसर क्या आएगा, यस बिकॉज ऑफ टू मच सॉल्ट ऑफ द वाटर, इट इज दी वेट, इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन द लेमन। व्हाट डू यू थिंक, द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर, आपका क्या कहना है कि लेमन जो है वो फ्लोट क्यों करता है सॉल्टी वाटर के अंदर, बिकॉज उसका रीजन क्या है? तो बिकॉज आफ्टर एडिंग सॉल्ट द वाटर बिकम थिकर, जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं तब वाटर की थिकनेस जो है ना वो डबल हो जाती है। ओके, वाटर की थिकनेस जो है ना वो डबल हो जाती है, थिकर हो जाती है। सो इसके लिए जो लेमन है, एग्स है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ओके, फिर यहाँ पे डेड सी, डेड सी क्या है, ऑल ओशंस एंड सी हैव सॉल्टी वाटर, सारे आपको पता है ओशंस है, सी है, वो सब सॉल्टी वाटर के है, बहुत सारा उसके अंदर सॉल्टी वाटर है। द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल द डेड सी हाउ सॉल्टी, इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, सोचो द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल द डेड सी, डेड सी एक ऐसा सी है जो सबसे सॉल्टी है, सबसे ज्यादा सॉल्टीएस्ट वाटर है, मतलब उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो नमक पड़ा हुआ रहता है। कितना सॉल्टी, तो सोचो कि 1 लीटर पानी के अंदर 300 ग्राम सॉल्ट है ना, उतना 1 लीटर पानी के अंदर 300 ग्राम सॉल्ट है ना, उतना सॉल्टी पानी डेड सी के अंदर है। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर, क्या आप उसका टेस्ट कर पाओगे? नो, बिकॉज ऑफ इट इज सो मच सॉल्टी, इट वुड बी वेरी बिटर इंटरटाइटली, इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, सी वुड नॉट ड्रॉन इन द सी, सी वुड फ्लोट इन द वॉटर एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट। रिमेंबर द लेमन वी फ्लोटेड इन सॉल्टी वॉटर, इतना सोल्टी कि जैसे हमने देखा कि बहुत सारा सोल्ट डाल दो तो लेमन भी जैसे है ना फ्लोट करता है, इसी तरह डेड सी के अंदर आप लोगों को यदि तैरना नहीं आता है ना, फिर भी यू डोंट नो अबाउट द फ्लोटिंग, फिर भी आप लोग इसके ऊपर अच्छे से सो सकोगे ना, इतना सोल्टी वाटर है, बिकॉज आप लोग इसके ऊपर तैरोगे अच्छे से, क्योंकि ये सोल्टी वाटर है, सो मच सॉल्टी वाटर है। ओके, ज़्यादा सॉल्टी है मतलब कि कोई भी थिंग्स है यहाँ पे, हम लोग भी यहाँ पे फ्लोट करते हैं। ओके, तो ये डेड सी है, आप लोग सर्च करना मोबाइल के अंदर डेड सी। ओके, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर डेड सी के ऊपर कैसे जो है वो कोई भी पर्सन फ्लोट करता है। यदि आप लोगों को तैरना नहीं आता है फिर भी डेड सी के ऊपर आप लोग अच्छे से जो है वो मतलब कि फ्लोट कर पाओगे। ओके,
तो ये डेड सी की फोटो है, डेड सी की दूसरी फोटोज जो है आप लोगों को दिखा रहे होगी, वहाँ पे बिना फ्लोट किए भी आप लोग अच्छे से तैर पाओगे। ये देखो सेकंड फोटो, ये डेड सी की फोटो है, यू कैन क्लियरली शो इन द वीडियो। वेट, ओके, डेड सी। नाउ लेट्स सी, तो डेड सी आप लोगों ने देखा, इतना सारा, सो मच सॉल्ट, तो मतलब कि वाटर की डेंसिटी जो है वो हाई हो जाती है, एंड इसीलिए जो मतलब कि कोई भी थिंग्स है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। डन, फिर चाहे वो लेमन हो, एग्स हो, या फिर ह्यूमन बींग्स हो। नेक्स्ट है, दैट डिजोल्व्स व्हाट डिड नॉट, व्हाट डिजोल्व, अभी डिजोल्व की बात आई कि पानी के अंदर कौन सी थिंग्स अच्छे से डिजोल्व हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है, एंड व्हाट डिड नॉट, एंड कौन सी जो है वो नहीं। ऑन संडे अयशास कजिन ब्रदर हामिद केम टू हर हाउस टू प्ले, एक दिन जो है ना अयशा का कजिन जो है हामिद वो उसके घर पे आता है। एज सून एज ही केम ही आस्क्ड हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट शकरपारा अ स्वीट डिश, जैसे ही वो आता है वो आंटी को बोलता है कि मेरे फेवरेट डिश शक्करपारा जो है आप मुझे बना दो। आप लोगों को पता है अभी वो ई सीजन चल रही है घर पे, ओके, सातम आइटम की प्रिपरेशंस, उसका जो है मतलब कि अलग अलग डिशेज जो हमारे घर पे बन रही है, अलग अलग डिशेज, तो यहाँ पे अभी शक्करपारा की स्वीट डिश बनाने के लिए बोलता है। तो आपको पता है शक्करपारा कैसे बनता है, अपनी मम्मी को पूछना। वाटर के अंदर हमें है ना शुगर जो है वो मिक्सअप करनी है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू नेच टच, ओके, एंड वी देन आफ्टर दैट वी कैन फ्राइड इन द डीप ऑयल। सो अम्मी सेज लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, देन आई विल मेक शम फॉर यू, जब मैं मार्केट से रिटर्न आऊँगी तब मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। वाई डोंट हेल्प मी, तुम क्यों मेरी हेल्प नहीं कर देते। टेक टू ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट अ बाउल शुगर इन इट, तुम्हें टू ग्लास वाटर लेना है, एक बाउल लेना है, एंड उसके अंदर शुगर एडअप करनी है, एंड मिक्स इट टिल इट डिजोल्व, तुम्हें उसे डिजोल्व ना हो तब तक मिक्सअप करना है। हामिद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी, हामिद ने सोचा कि चलो पहले मैं ये वर्क कंप्लीट करता हूँ, आफ्टर दैट अच्छे से बैठे बैठे मैं टीवी देखूंगा। ओके, सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिजोल्विंग शुगर, ओके, आप लोगों को सजेशन देना है कि आप लोगों को टू ग्लास वाटर है उसके अंदर आपको जल्दी जल्दी शुगर जो है वो डिजोल्व करनी है, तो आप लोग क्या करोगे, पूरा मतलब कि स्पून लेके बैठोगे ऐसे ऐसे हलाओ मतलब कि मिक्सअप करोगे, क्या करोगे, या फिर ब्लेंडर का यूज करोगे, क्या करोगे, तो लेट्स सी, या तो फिर शुगर का हम लोग मिक्सर के अंदर उसका जो है ना वो पाउडर बना देंगे, शुगर पाउडर, फिर वो पानी में से मिक्सअप कर देंगे, या तो फिर दूसरा कोई वे है तो वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टिर द मिक्सचर थ्रू आउटली वार्म द मिक्सचर ओवर द फ्लेम, या तो फिर है ना मिक्सचर को मिक्सचर कर दो उसे, वो जो हमने मिक्सअप किया है उसे मिक्सचर कर दो, या तो फिर वाटर थोड़ा सा है ना वो बॉइल कर लो, थोड़ा सा वार्म हो जाएगा ना तो शुगर ऑटोमेटिक जो है ना वो डिजोल्व हो जाएगा। मैंने यहाँ पे टू वेज लिखा है, राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक, मैं पीडीएफ सेंड नहीं करने वाली हूँ, यू हैव टू बी कंप्लीटेड फ्रॉम द वीडियो। डन, ओके, चलो नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 64, डू दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करना है, मेक अ ग्रुप ऑफ फोर फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड का ग्रुप बनाना है। फॉर द एक्सपेरिमेंट यू नीड 4 to 5 ग्लास ऑफ बाउल्स स्पून्स वाटर एंड द थिंग्स, लिसन इन द टेबल, जो लिस्ट दिया है टेबल के अंदर वो आपको चाहिए। टेक सम वाटर इन ईच ग्लास एंड नाउ टू डिजोल्व द वन थिंग्स इन द वन ग्लास, ऑब्जर्व दैट वॉट हैपन एंड नॉट इन टू द टेबल, ओके। आप लोगों को यहाँ पे जो थिंग्स है ना वो थिंग्स लेनी है, पानी का बाउल लेना है, चेक करना है कि वो डिजोल्व होती है और क्या होता है। सॉल्ट, ओके, सॉल्ट को जब पानी के अंदर डालो तो डिजोल्व हो जाएगी, यस, पहले हम लोग वो चेक करते हैं होती है या नहीं होती है, सॉल्ट डिजोल्व होती है, नो, चॉक पाउडर, नो, अ स्पून ऑफ मिल्क, यस, एंड ऑयल, नो, तो क्या होता है, तो यहाँ पे सॉल्ट जब वी कैन डिजोल्व इन द वॉटर इट मिक्स टूगेदर
कंप्लीटली एंड बिकम ट्रांसपेरेंट, वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा एंड वाटर जो पहले जैसा ट्रांसपेरेंट था वैसा ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. नेक्स्ट, सोइल सेटल्ड डाउन एट द बॉटम एंड मेक मडी. सोइल जब हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तब वो सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे जो है वो पानी के नीचे रह जाएगी एंड मेक मडी. मडी मतलब कि वो पानी जो है वो खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा. थर्ड है चॉक पाउडर. चॉक पाउडर जब हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तब वो डिजोल्व नहीं होगा, तो क्या होगा, पानी जो है हमारा सेटल डाउन एट द बॉटम. चॉक पाउडर जो है बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा एंड वाटर बिकम वाइटिश. वाटर कैसा हो जाएगा, वाइटिश, वाइट कलर जैसा. एज इट इज इन द स्पून ऑफ मिल्क, मिल्क डिजोल्व इन द वाटर एंड मिक्स टुगेदर एंड बिकम वाइटिश. वाइटिश हो जाता है बट मिक्सिंग टुगेदर. इसी तरह से ऑयल, ऑयल डिजोल्व नहीं होता एंड ऑयल फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. ऑयल जो है वो पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज सो मच वेट लेट मोर देन द वाटर. ओके, नाउ नेक्स्ट है टेल, कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर डिजोल्व इन वाटर, इफ नो व्हाई. कभी आप लोगों ने देखा है कि सॉल्ट जो है वो कभी पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हुआ? नो, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर. वो कम्प्लीटली सोल्यूबल है सॉल्ट. डज इट द मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट इन इट, इज देयर वेयर सॉल्ट. तो क्या जब सोल्टी वाटर हो जाएगा तो आप लोग क्या कहेंगे कि वाटर सोल्टी नहीं है? नो, क्योंकि वो अच्छे से डिजोल्व हो गया, वो सोल्टी वाटर ही है. इट इज डिजोल्व इन वाटर. थर्ड, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर सॉल्ट एंड द वाटर विद चॉक पाउडर. जब वाटर सॉल्ट ऐड करेंगे, चॉक पाउडर ऐड करेंगे, तब कौन सा डिफरेंस जो है यू हैव टू सी इन द वाटर एंड विच ऑफ द टू वुड यू एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्टेरिंग विद क्लॉथ. ओके, जब हम क्लॉथ्स के साथ उसे स्टेरिंग करेंगे, अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे सॉल्ट एंड चॉक पाउडर, क्या होगा? इसका आंसर हम नोटबुक के अंदर लिखेंगे. नाउ पेज नंबर 65. While doing the experiment, Ayesha and Hamid had an argument. जब ये चल रहा था तब Ayesha and Hamid जो है वो दोनों argument पर आ गए. Ayesha felt that some stirring it and the oil dissolved in water. Hamid did. कैसी argument हो गई कि Ayesha बोलती है कि जो oil है वो भी water के अंदर dissolve होता है. Oil dissolved in water. Hamid did not agree. हमिद उसके साथ एग्री नहीं था कि नहीं ऑयल डिजोल्व नहीं होता, लेकिन Ayesha नहीं मानती थी. Ayesha बोलती थी कि ऑयल जो है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है. हमिद डिड नॉट एग्री. ही सेड लुक द टाइनी येलो ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी सीन इन द वॉटर. Ayesha सेड लेट वेट फॉर सम टाइम एंड आफ्टर दैट शी. थोड़ी देर रुको एंड उसके बाद देखो कि वाटर जो है पानी के ऊपर पानी के अंदर मिक्सअप होता है या तो फिर नहीं होता है. डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजोल्व इन द वाटर, व्हाई डू यू थिंक सो? ओके, आपको क्या लगता है वाटर के मतलब कि ऑयल जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है? नो, ऑयल डिड नॉट डिजोल्व इन वाटर बिकॉज ऑफ ऑयल डेंसिटी इज वेरी हायर देन द वाटर. ओके, रेसिंग ड्रॉप्स. Ayesha पुट टू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इन द लीड ऑफ अ टिफिन बॉक्स. ओके, रेसिंग, आप लोगों को एक कोई भी लंच बॉक्स का ढक्कन जो है या तो फिर अपने घर पे बाउल है था मतलब कि जो आप खाना खाते हैं प्लेट लेनी है, उसके ऊपर एक वाटर का ड्रॉप रखना है. सेकंड, एक ऑयल का ड्रॉप रखना है एंड थर्ड कौन सा रखना है, पुट टू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लीड ऑफ अ टिफिन. नेक्स्ट टू दैट सी पुट अ टू ड्रॉप ऑफ वाटर एंड टू ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन. थ्री सॉल्यूशन लेने हैं, वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड ऑयल. यहाँ पे तीनों रखो तो कौन सबसे जल्दी रेसिंग में आगे होगा? वाटर. एंड आफ्टर दैट शुगर सॉल्यूशन एंड ऑयल जो है वो पीछे रहेगा बिकॉज की दोनों की डेंसिटी जो है वो हाई है. ओके, सो क्विकली एंड व्हाइल सम वेयर बिहाइंड यू विल ऑल्सो ट्राई टू द सेम एंड टेल देम विच ड्रॉप वेंट अहेड. कौन सा ड्रॉप जो है वो सबसे आगे आएगा? Why did it slide faster? वो क्यों faster जो है वो slide करेगा? So the drop of water went ahead slide faster. Drop of oil and sugar syrup stick at the tiffin box. ये दोनों जो है ना वो stick हो जाएगा and water जो है वो जल्दी से fast move करने लगेगा. Okay?
फिर है वेयर डिड द वॉटर गो, वेयर डिड द वॉटर गो. वन डे अयशा मदर पुट सम वॉटर टू बॉइल ऑन द स्टव टू मेकिंग टी. एक दिन अयशा की मम्मी ने स्टव के ऊपर टी बनाने के लिए पानी जो है वो बॉइल करने के लिए छोड़ा. सी गॉट बिजी विथ समथिंग एंड फॉरगॉट अबाउट मी. तो अयशा की मम्मी जो है ना ये भूल जाती है, बिजी हो जाती है काम में और पानी जो है वो भूल जाती है कि उसने बॉइल करने के लिए छोड़ा है. When she remembered, he came back and checked. She found very little left in the pan. जब वो रिटर्न आई, उसे जब याद आया कि मैंने तो वाटर बॉइल करने के लिए रखा था टी बनाने के लिए, तब उसे देखा तो क्या होगा, वहाँ पे वाटर जो है वो सिर्फ few little water in the pan. पान पैन मतलब कि उसकी जो तवी होती है उसके अंदर थोड़ा सा ही वाटर बचा था. तो वाटर गया कहाँ पे? तो जब हम वाटर को बॉइल करते हैं एंड वाटर इट इज चेंजेस इनटू द वेपर सॉल्यूशन. वाटर सॉल्यूशन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वेपर, इट इज कॉल्ड द इवापोरेशन. क्या बोलेंगे उसे? इवापोरेशन. रिपीट करो मेरे साथ, इवापोरेशन. गुजराती हिंदी बाष्पीभवन. जब भी आप वाटर को मतलब कि ड्राइंग एरिया में रखते हो या तो फिर बॉइल करते हो तब उसका इवापोरेशन हो जाता है, मतलब कि वाटर सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वेपर. ओके, थिंक वेयर डिड द वाटर गो, वाटर कहाँ गया? द वाटर इवापोरेटेड एंड टर्न इनटू द वेपर. इवापोरेटेड हो जाता है एंड वेपर के अंदर टर्न हो जाता है. नेक्स्ट है व्हाई डिड चित्ती बाबू एंड चीना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन सन. आपको पता है मैंगो जेली जो चित्ती बाबू और चीना बाबू थे उसके पापा ने बोला था आम पाक बनाने के लिए तब छोड़ी थी, तो दैट द वॉटर फ्रॉम जेली कुड इवापोरेट. जेली को उसने इसीलिए सनलाइट में रखा था कि जेली में जो वॉटर है ना वो इवापोरेट हो जाए तो उसे हम मतलब कि प्रिजर्व कर सकते हैं वॉटर विदाउट वॉटर. एंड नेक्स्ट है एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन सन. आपके घर में भी ऐसी कई सारी थिंग्स होगी जो सन में पहले ड्राई होती है एंड आफ्टर दैट वी विल यूज्ड इन आवर लंच और इन आवर फूड. तो ऐसी कौन सी आइटम है? तो यस, पोटैटो चिप्स एंड पापड़. ओके, पोटैटो चिप्स जब हम बटेटा पोटैटो की वेफर बनाते हैं उसके साथ साथ हम पापड़ जो है बेलते हैं तो वो सब हम पहले ड्राई करते हैं एंड आफ्टर दैट वी नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 66. ओके, दांडी मार्च. दांडी मार्च के बारे में कभी सुना है क्या? दांडी मार्च क्या है? तो गांधी जी ने जब सोल्ट के ऊपर यहाँ पे जब हम लोग मतलब कि अंग्रेजों की गुलामी में थे तब अंग्रेजों ने हम लोगों पर सोल्ट का कर ऐड किया था, सोल्ट का भी टैक्स. तो सोल्ट तो हमारे यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सोल्ट जो है ना वो कई सारा जो मतलब कि दरिया किनारो आपने हम कहीं ने गुजराती में हमारे यहाँ पे सी लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा है गुजरात के पास और हमारे यहाँ पे सोल्ट जो है ना उसकी कोई कमी नहीं है. फिर भी अंग्रेजों ने उसकी गुलामी के टाइम पे सोल्ट के ऊपर जो है ना वो टैक्स लगाया था एंड उसी टैक्स को माफ़ करवाने के लिए गांधी जी ने एक दांडी यात्रा जो है ना उसका आयोजन किया. एक टाइप वन टाइप ऑफ सत्याग्रह उसने एक लड़त चलाई एंड क्या हुआ उसके अंदर, दिस इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन द 1930 बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट. हम जब इंडिपेंडेंट नहीं थे उसके पहले की बात है 1930 की. फॉर मेनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलो पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्व्स. उसे अपने आप सोल्ट जो है ना वो बनाने नहीं देते थे और जो भी सोल्ट आता था उसके ऊपर टैक्स लेते थे. ओके, दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन द सोल्ट. वो लोग सोल्ट के ऊपर भी हैवी टैक्स लगाते थे. बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सोल्ट इवन फॉर यूज एट होम. इसकी वजह से पीपल अपने घर के लिए भी है ना सोल्ट का प्रोडक्शन नहीं कर पाता था. एंड हाउ कैन एनीबडी लाइव विदाउट सोल्ट. एंड आपको पता है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो विदाउट सोल्ट रह सकता है? आप लोग ऐसा कोई भी खाना है जो विदाउट सोल्ट खा सकते हो? नो. ओके, विदाउट सोल्ट हम लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते.
ओके, तो गांधी जी सेड हाउ कैन आई लॉ नॉट अलाउड यूज टू फ्रीली दैट नेचर हैज गिवन। वो हमने नेचर से दिया है तो हम उसके ऊपर क्यों फ्री का हक हम नहीं मांग सकते। एंड आफ्टर दैट गांधी जी विल सर्व विथ अदर पीपल वेंट टू यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी। फिर उन लोगों ने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया अहमदाबाद से दांडी तक का, किसके लिए? सोल्ट का जो टैक्स है वो बंद करने के लिए एंड सभी लोगों को सोल्ट की उत्पादन प्रोडक्शन करने के लिए, एंड शिशोर इन गुजरात टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस लॉ। एंड आफ्टर दैट डू यू नो द सोल्ट इज मेड सी वाटर कलेक्टेड इन द शेडो। सोल्ट कैसे बनता है? तो सी वाटर है ना, वो एक मतलब कि शेडो के अंदर कलेक्ट किया जाता है एंड आफ्टर दैट द वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम दिस सेलो एंड जो बचेगा वो क्या रहेगा? सॉल्ट। फिर उसको मतलब कि रिफाइन करने के लिए भेजा जाता है कंपनी में एंड आफ्टर दैट हमें सोल्ट जो है ना वो मिल जाता है। ओके, सी वाटर इज कलेक्टेड इन द शेलो बैग बैड्स जर्क इन द सैंड एंड वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन। आफ्टर द वाटर ड्राइज द सोल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड। ओके, वाटर जो है ड्राई अप हो जाता है एंड सोल्ट जो है वो ग्राउंड पे बच जाता है। एंड गांधी जी की ये लड़त जो है वो कामयाब रही थी और उसके बाद गवर्नमेंट ने, अंग्रेज सरकार ने कभी भी जो है वो सोल्ट के ऊपर टैक्स लिया नहीं। ओके, देन व्हाट वी हैव लर्नड, वी हैव वॉश्ड अवर हैंकरचीफ एंड यू वॉन्ट टू ड्राई इट क्विकली, देन व्हाट कैन यू डू। आपने अपना हैंकरचीफ है जो वॉश किया है उसे जल्दी से ड्राई करना है तो क्या करोगे? एंड व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन टू द वॉटर मेक टी, विच ऑफ दिस थिंग्स डिजॉल्व इन द वॉटर। आप लोग जब चाय बनाते हो तो चाय के अंदर कौन कौन सी थिंग्स ऐड करते हो एंड कौन सी थिंग्स ऐसी है जो डिजोल्व हो जाती है, विच थिंग्स कैन नॉट डिजोल्व इन द वॉटर। नेक्स्ट है, हैव यू बीन गिवन सम मिश्री पीसेस लम्स ऑफ शुगर, सजेस्ट सम वेज टू डिजोल्व इन देम क्विकली। जब आप लोग शाकर बोलते हैं जिसे, ओके, मिश्री के पीसेस जो है वो पानी के अंदर रखे और उसे जल्दी से डिजोल्व करने हैं तो उसके लिए क्या आइडिया है, क्या रास्ता है, वो आप लोगों को सोचना है। ओके, तो ये सिर्फ छोटा सा चैप्टर था, एक्सपेरिमेंट ऑन वाटर, वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी बात हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस की। जो भी मैंने होमवर्क दिया है वो अच्छे से कंप्लीट करना, आज जितना चला है उसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा इसी लेक्चर के साथ। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बोलना एंड वीडियो को अगेन रिपीट करके वन टाइम देख लेना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम लोग वर्कबुक, नोटबुक, एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। सो रेडी फॉर वर्कबुक एंड नोटबुक एक्सरसाइज, डन। ओके, तो आज जो है हम ENV के अंदर चैप्टर नंबर 7 इतना ही रखते हैं। गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।